नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पिछड़ा वर्ग कन्या विद्यालयों में खास सुविधाएं, जीविका दीदियों से मिलेगा भोजन पोशाक, विद्यालय में प्रवेश के लिए देने होंगे एग्जाम। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत, नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को स्लैब से राहत, इलेक्ट्रॉनिक मीटर यूजर्स को छूट नहीं। प्राचीन पाटलिपुत्र की खोज फिर से शुरू, बुलंदी बाग में मौर्यकालीन इमारत की खुदाई, इन धरोहरों का होगा संरक्षण। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई 1-0 की बढ़त, टीम इंडिया ने 295 रन से जीत हासिल की, टीम इंडिया ने दिया था 534 रनों का विशाल लक्ष्य। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सभी 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में जीविका दीदियां अब छात्राओं को भोजन और पोशाक उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा विद्यालय परिसर की सफाई और पोशाक की धुलाई भी जीविका दीदी ही करेंगी। नालंदा के राजगीर में देखा जाए तो वहां के अंबेडकर आवासीय विद्यालय में 105 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और पोशाक की सुविधाएं मिल रही हैं। इस स्कूल में नामांकन 6ठी और 9वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश देकर इस योजना को लागू किया है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को यानी आज शुरू हुआ। पहले दिन 3 नवनिर्वाचित विधायकों अशोक कुमार सिंह, दीपा मांझी और मनोरमा देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं तरारी से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत कल शपथ लेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। दिवंगत विधायकों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी मंगलवार 26 नवम्बर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ भेंट किया। सुरक्षा को लेकर विधानसभा के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यह सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। बिहार पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए एक नई पहल शुरू की है। राज्य के 20 ऐप जवानों को बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य बड़े आयोजनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटना है। करीब 500 से 1000 जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। जवानों को वॉकी टॉकी और सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। बिहार में साल भर में कई बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन होते हैं। इन आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस इन चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि शिक्षक बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, समय पर स्कूल नहीं आते या अन्य गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें जिला बदर भी किया जा सकता है या नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। विभाग ने इस संबंध में एक नई नियमावली तैयार की है जिसमें शिक्षकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक इस कार्रवाई के खिलाफ अपील कर सकते हैं लेकिन गंभीर गलतियों के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यह कदम शिक्षकों में अनुशासन लाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया। वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के द्वारा जोरदार हंगामा करने की तैयारी है। आज सुबह बिहार पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में धरना दिया। उनका आरोप है कि उन्हें 2022 के NCL और EWS सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, जबकि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं था। अभ्यर्थियों को शिक्षक संघ और बिहार स्टूडेंट यूनियन का समर्थन मिल रहा है और वे मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी CM तक से अपनी मांगें पूरी करने की अपील कर रहे हैं। बिहार में 1 अप्रैल 2025 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 55 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। इन उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है और उन्हें अधिक खपत पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। कृषि और व्यवसायिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को भी फैक्टर सरचार्ज से राहत मिलेगी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान्य मीटर यूजर्स को इन छूट का लाभ नहीं मिलेगा। प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा गया है जो जनसुनवाई के बाद निर्णय लेगा। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को स्लैब से भी निजात मिलेगा। चाहे जितना भी बिजली खपत करें, एक ही दर से बिजली कटेगी और 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ भी मिलेगा।
बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में राजद के MLC कारी सोहैब को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मिमिक्री कर मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। उन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह निर्णय शीतकालीन सत्र के दौरान लिया गया था, जब कारी सोहैब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल की थी, जिससे विवाद हुआ था। हालांकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी और माफी भी मांगी थी। कारी सोहैब के साथ RJD के MLC सुनील कुमार सिंह की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। यह सत्र 29 नवम्बर तक चलेगा और इसमें 32,506.90 करोड़ के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार में ठंड और कोहरे का असर बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया और कई अन्य जिलों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। पटना में दानापुर में AQI 312, हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में 333 और मुजफ्फरपुर में 332 दर्ज किया गया। अन्य जिलों में जैसे भागलपुर, समस्तीपुर, राजगीर और कटिहार में भी हवा खराब श्रेणी में है। वहीं कुछ जिलों में जैसे सिवान, सासाराम और छपरा में हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर पर है। वायु गुणवत्ता में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिहार में प्राचीन पाटलिपुत्र की खोज फिर से शुरू होगी, जिसमें कुम्हरार स्थित 80 स्तंभों वाला विशाल सभागार और बुलंदी बाग की मौर्यकालीन शाही इमारत की खुदाई शामिल है। इसके अलावा राजगृह, घोड़ा कटोरा, मने, शेरशाह का मकबरा, लौरिया नंदगढ़, बलिराजगढ़, केसरिया, रोहतास का किला, मुंडेश्वरी मंदिर, भागलपुर, कुम्हरार व वैशाली की धरोहरों का संरक्षण भी होगा। पुरातत्व विभाग ने इन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत ऐतिहासिक स्थल जनता के दर्शन के लिए खोले जाएंगे, जिससे बिहार की प्राचीन महत्ता और ऐतिहासिक धरोहर को उजागर किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो चलाने की संभावना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अब दिसंबर के अंत में तैयार होगी और जनवरी में इसकी जानकारी मिलेगी। राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मिला है। सर्वे का काम अंतिम चरण में है और इसके बाद स्टॉक होल्डर्स की बैठक होगी, जिसमें DM, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। दरभंगा में हुई बैठक में मेट्रो रूट पर कई सुझाव दिए गए थे। इसका उद्देश्य यह है कि सर्वे रिपोर्ट और भविष्य में मेट्रो परिचालन के अन्य निर्णयों को लेकर एकमत हुआ जा सके। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में भी तेजी से प्रगति हो रही है और संभवतः मार्च 2025 तक 5 स्टेशन बनेंगे। बिहार के केंद्रीय मंत्री और जदयू सांसद ललन सिंह के बयान पर बवाल मच गया है। मुजफ्फरपुर में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय जदयू को वोट नहीं देता, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार उनके लिए काम कर रही है। इस बयान पर विपक्षी पार्टी राजद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ललन सिंह अब BJP के पक्ष में हो गए। वहीं अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार में बैठे लोग अलगाव की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ललन सिंह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया है। AIMIM के विधायक ने कहा कि अगर हिम्मत है तो सरकार मुसलमानों के हित में किए गए कार्यों का श्वेत पत्र जारी करे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यादव परिवार कभी सत्ता में नहीं लौट सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अपराध की परिभाषा तेजस्वी और उनके परिवार से जुड़ी है। UP उपचुनाव में योगी मोदी की जोड़ी की सफलता की सराहना करते हुए संतोष सिंह ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने की न्यायिक प्रक्रिया को बताया। झारखंड चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का विश्वास भी जताया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से का भविष्य जुड़ा है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों की बैठक ली और नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई। इस दौरान उन्होंने जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने 3 नंबर की पार्टी करार दिया और कहा कि जदयू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों से सवाल किया कि क्या वे तैयार हैं और सभी ने एकजुट होकर जवाब दिया कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। सत्र का पहला दिन सिर्फ 22 मिनट में समाप्त हो गया, जबकि NDA विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। हाल ही में बिहार के 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक भी सीट से अपना खाता नहीं खोल पाई। हालांकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को ग्लोबल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अमेरिका में बिहारी प्रवासी समुदाय से बातचीत करते हुए विश्वास जताया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। बिहार की जमीनी हकीकत को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है और जनसुराज पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिकताओं में शिक्षा सुधार को बताया और आगामी चुनावों में पार्टी की जीत का पूरा भरोसा जताया, भले ही हाल के चुनावों में पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।
पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच का आज 4th दिन था। ये दिन दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम था। तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 487 पर 6 विकेट के स्कोर पर घोषित करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का बड़ा टारगेट दिया था। तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने जीत की तरफ कदम बढ़ा दिया था। उसने 12 रनों पर ही मेजबान टीम के 3 विकेट झटके। चौथे दिन टीम इंडिया ने 238 पर बाकी के 7 विकेट झटकते हुए जीत हासिल कर ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विपिन शर्मा, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, छोटू राज, राकेश मिश्रा और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभ पर आपका क्या विचार है? क्या यह सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में सफल रहेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।